जीजाजी कितना मजा आ रहा है ना, इतने वक्त बाद हम दोनों साथ में ऐसे अकेले। नहीं लाइजी, मजा तो बहुत आ रहा है, पर लाइजी हमें ना इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो क्या है हम लोग फंस सकते हैं। अरे यार एक बार फिर से ऐसा डरपोक बना दिखाया ना तो मैं उठ के चली जाऊंगी लिटरली। लाइजी जिसे डरपोक बना नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। हाँ हाँ, सारी समझदारी का टुकड़ा तो आपके अंदर ही फूट रहा है ना, हम वैसे बेवकूफ है। क्या हो गया एलाइची जी, आप हमेशा गर्म तवे पे खड़ी बिल्ली की तरह क्यों बनी रहती हैं? शादी से पहले मैं आपको परी लगती थी और अब बिल्ली लगती हूँ। बिल्ली नहीं शेरनी, और इस शेरनी का ना भी शिकार करने का मन हो रहा है। वो तो वैसे भी आप हमारा 1.5 साल से करी रही हैं। हाँ हाँ, जितनी बार मैंने आपको बचाया है उसका एहसान नहीं मानना बस। ऐसी बात नहीं है, हम मानना चाहते हैं, तो हमें याद आता है कि फसाया भी तो आप ही ने, तो जो ये एहसान है ना धुएं की तरह उड़ जाता है। उड़ाऊंगी तो मैं भी आपको, मुंह भी देखे सर बाहर निकलिए। अरे भाई साहब, आप यहाँ पिक्चर देखने के लिए आए हैं या फिर बातें करने के लिए? अगर बातें करनी है ना तो बाहर गार्डन में चले जाइए और करो बातें। अरे यार, दुकान के चक्कर में हमेशा देर हो जाती है, भूलर खा के ऑलवेज मिसिंग मूवी, सारी पम्मी म्यूनी। ये तो इलायची है पंचम के साथ, ये दोनों कौन सा कूलर खिला रही हैं? शेर जी को बताना पड़ेगा। शेर जी ये देखो, ये है गुलाबी। गुलाबी बोल रहे हैं, ये गुलाबी है। हेलो, हाँ खजोटे, हाँ बता। शेठ जी तुमको खबर देनी थी, एकदम ब्रेकिंग न्यूज, गूलर खा गए। अबे गूलर की तो जो है अपनी नसवार बना के अपनी नाक में डाल ले। अरे कहाँ से बोल रहे हैं, ये कुएं में खड़ा है क्या, ऐसी आवाज गूंज रही है तेरी और कुछ समझ में ना आ रही। शेठ जी फिल्म देखने आया था मैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा देख लिया गूलर खा गए। अरे दुकान में बहुत काम है, मेरे पास सुनने का टाइम ना है, सीधे सीधे बोल बात क्या है। अरे शेर जी इतनी टेढ़ी बात सीधे कैसे बोल दूं? ये मैं जो फिल्म देखने आया हूँ ना सिनेमा में, मेरे सामने ये बैठी है इलायची पंचम के साथ, दोनों मजे से फिल्म देख रहे हैं कूलर खा के। क्या बात कर रहा है, टंडन के साथ इलायची पिक्चर देख रही है? झूठ बोलो तो कूलर दे देना मुंह में, यहीं पे बैठा हूँ मैं गोलचा सिनेमा, आ जाओ, विश्वास नहीं हो रहा तुमको तो। अच्छा चल मैं आ रहा हूँ। संजीव तू दुकान पे बैठ, मैं तेरा आ रहा हूँ अभी। ना ना सर जी, हम आपको कहीं ना जानते हैं सर जी। अरे क्यों ना जाने देगा, तेरे ताऊ का क्या, मैंने उधारी खा रखी है, बात कर रहा है बेकार की। चला सर जी देखो क्या, देखो सर जी इतनी बड़ी दुकान है, हम कैसे संभालेंगे अकेले। अरे तो इससे पहले क्या तू जो है ठेले पे लहंगे बेच रहा था, इतनी बड़ी दुकान ना है मेरी, चल बैठ यहाँ पे आराम से। अरे अरे सर जी आप समझ ना रहे, देखो क्या है हमारी आंख फड़क रही है और कुछ ना कुछ अब शगुन हो जाएगा। अरे अब शगुन, अब शगुन तो सीधा मुझे जो है वहाँ गोलचा सिनेमा में जाके पता लगेगा, तू चला। अरे सर जी कलर कलर खेलेंगे यहाँ पे, लाल पीला गुलाबी सब बताएंगे आपको, अभी देखो कैसे पहचानते। अरे सर जी, अरे मानो तो मेरी बात, अरे सर जी सर जी, अरे सर जी यार इलायची जी का लगा दे, साला पंचम कहाँ बैठा। The number you are trying to call is currently not available. अरे यार किसी के फोन में टावर ही ना आ रहे, दिल्ली में भी टावर ना आ रहे। लगा 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 लग गया, नहीं घंटी गई। पिंटू हाँ सुन बे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ तुझे।
ठीक है? अबे साले पहले पूरी मेरी बात सुन ले साले, नहीं तेरी फिल्म बन जाएगी। सेठ जी आ रहे भाई तेरी फिल्म बनाने। क्या बकवास कर रहा है? बकवास ना कर रहा हूँ साले, पहले अपने पीछे देख कौन बैठा है वहाँ पे। भाई कसौटी ने सब बता दिया सेठ जी को फोन करके, अभी तू जल्दी से फूट लेना, तेरी फिल्म बन जाएगी, जल्दी जल्दी निकल ले वहाँ से। यार थोड़ी देर लड़की ना बन सकता था? बड़ा शौक है मर्द बनने का। और उसने सेठ जी को ये भी बता दिया फोन करके कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों? हाँ। इसका सोटे को चैन नहीं है, कम से कम मूवी तो खत्म होने देता। कैसी बातें कर रही हैं यार, आपको फिल्म देखने की पड़ी है, कुछ सोचिए। मैं क्यों सोचूं? मैं तो सिर्फ आपको फंसाती हूँ ना, आप आइडिया निकालो ना। लहसी जी हम मजाक कर रहे थे, अब आप क्यों मजाक कर रही है? मैं भी फंसने वाली हूँ, मेरी शक्ल देख के लग रहा है मजाक कर रही हूँ, प्लीज। नहीं यार कुछ तो करिए। आप कौन दो यार? लाइसी जी आप समझ नहीं रही है, मरवाएंगे आप। अरे भैया अगर इतने ही जोर से चिल्लाने का शौक है तो फिर सड़क पे चले जाइए, दो पैसे मिल जाएंगे। तू आ इधर, तेरी तू बाहर चल। आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरा पीछा करते करते यहाँ थिएटर तक आ गए। कितनी बार बोला मैंने आपको कि मैं आपकी वकील नहीं हूँ तो आपकी वकालत नहीं कर सकती हूँ मैं। बताओ यार उसे काम से निकाला ना, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं ये, अभी भी मक्खन लगा रहे थे ताकि काम पे रख ले पापा इन्हें। लेकिन पापा मैं भी आपकी बेटी हूँ, बिल्कुल भी नहीं फिसली। अबे ओए टेंशन। सेठ जी पापा पापा पंचम। अबे तू मेरे लिए टेंशन ही है, तू पीछा क्यों ना छोड़ रहा है इलायची का, ये बता। सेठ जी वो हम इलायची जी से बात करने आए थे। सेठ जी आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ जी हम भी तो इंसान है, वो किसके पास अपना दुखड़ा रोए। वैसे जीजा जी एकदम सही कह रहे हैं, मतलब अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मैं भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ती, प्लीज। हाँ ये दोनों ये क्या पॉपकॉर्न भी एक ही टोपी से खा रहे थे, गुलर खा के देख ले। इसी बात का तो मुझे गुस्सा है, मतलब इनकी हिम्मत देखो कितनी बढ़ गई है कि मेरे मतलब मेरे डब्बे से पॉपकॉर्न से खा रहे थे, बेशरम। लेकिन क्या करते, जब से आपने काम से निकाला है ना कहीं और काम नहीं मिला। अब इंसान तो पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है, देख लिया आज मैंने। तू इसकी तरफदारी कर रही है ना? ना बोलिए बता, तू तरफदारी कर रही है इसकी? अरे अब तो इसका अचार डलेगा, मुरब्बा बनाऊंगा इसका, सीधा पुलिस कमिश्नर के सामने खड़ा कर दूंगा इसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। हम अपनी फरियाद लेकर आए थे सेठ जी, प्लीज आप ऐसा मत करें, हम चले जाते हैं सेठ जी, हमारा बुबू इंतजार कर रही है वैसे भी स्टेशन पे, हम चलते हैं सेठ जी। क्या हुआ इलायची? तेरे साथ तो वो संजना पिक्चर देखने आई थी, वो कहाँ है? हाँ वो हम जैसे मूवी देखने आए ना तो शुरू होने से पहले ही उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गए, इसलिए वो पता नहीं मतलब भाग गई उसी वक्त। फिर मैं बेचारी तब से जीजा जी को झेल रही हूँ, मेरा टिकट के पैसा सब कुछ वेस्ट कर दिया। आई हेट यू जीजा जी। सॉरी लहसी जी, हमें माफ। सॉरी मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ बस, तू सोच रहा है ना कि मेरे यहाँ दोबारा नौकरी मिल जाएगी तुझे, तो भूल जा,
मैं तुझे कभी दोबारा नौकरी ना दूंगा, और अगर फिर से तू मुझे चांदनी चौक पे दिखाई दिया ना तो तुझे यहाँ से गायब करा दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, समझ रहा है ना? चल इलायची। हाँ। अरे सुन, तुझे हिसाब किताब आता है कुछ है? अरे साले तुम भी ना पढ़ पाए। अरे भाई तू बात करे यार, चिंता ना कर भाई, मेरा कोई पैसा ना खर्च हो रहा, सेठ जी का फोन है उसी से कर रहे हैं बिल। एक मिनट, बात बात। हाँ भाई कुछ लेना आया, वैसे ही भटक रहे हो। ओ समझ गया, आप जो सेठ जी के पड़ोसी हो ना सोनपाल भाई, सोनपाल जो सेठ जी के नौकर की बीबी पे नजर रख के था। नजर तो थी पर क्या फायदा, हाथ तो लगी नहीं वो। अब तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि कहीं से वो मेरे सामने आ जाए। सामने आ जाए तो कहीं जाओ यार, यहां मैंने क्या गड्ढे में छुपा के रखी जो मैं निकाल के दे दूंगा, जाओ ढूंढो जाके। पिंटू जी के बिना नहीं रह सकता, संजीव जी नहीं रह सकता। अरे 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों मनुष्यत फैला रही हो सोनपाल? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं दरोगा साहब, मनुष्य ही हूँ, इसीलिए तो पिंटू जी मुझे छोड़कर चली गई। एक बात बताओ, बीवी किसी की गई है, मातम तुम मना रही हो क्या रिया यहाँ? बीवी किसी का और की सही, पर मेरी पड़ोसन थी और मेरे अरमान बिना पूरे किए हुए चली गई। क्या मतलब, मतलब क्या हो रहा है तेरा सोनपाल? दरोगा जी मतलब बस इतना ही है कि अब पिंटू जी का पता लगाइए, पता कीजिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही है, उसकी खुशबू मुझे हर वक्त महसूस होती है, प्लीज पता लगाइए। पिंकी जी ना कोई स्निफर डॉग ना हो रखे, समझ में आएगी नहीं बात? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ और भी बहुत काम रखे पिंकी जी को। चलो चलते हैं, फालतू आदमी। अरे सुनो टीचर जी, यार कहाँ भागे चले जा रहे हो? ऐसी बड़ी गलत बात है यार, आपने सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया यार। ये बड़ी गलत बात है आपकी, बीच-बीच में साइड तो ले दी ना आपकी। हाँ वो तो है, वैसे एलआईसी जी अगर आप हमारी साइड ना लेती ना तो सेठ जी हमारी टांगे तोड़ देती और हमारा ना चलना फिरना हमेशा के लिए बंद हो जाता, हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं। और एलआईसी जी एक बात कहना चाहते हैं, प्लीज कुछ समय के लिए फिल्में विल्में देखना बंद करिए प्लीज, हम बता रहे हैं हम। हाँ अरे क्यों, अरे ये तो मजा ना रोमांस का, छुप छुप के मिलना, बातें छुपाना, कितनी हैपनिंग लाइफ है। I'm loving it. है ना, आपको loving it ना? एलआईसी जी आपके इस लुका चिप्पी के चक्कर में ना सेठ जी हमें कभी भी धप्पा कर देंगे। एलआईसी जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, हम आउट हो जाएंगे गेम से। अरे यार बातें मत बनाओ, चलो जाओ बनो संजना, बनो जाओ। एलआईसी जी जा रहे हैं। टाइम टू बी संजना, टाइम टू बी संजना। आते हैं एलआईसी जी। कुड़ी पटाका। क्या बात है जी, जच रही हो? लाइफ में टंटे हो रखे, चलो मूड मत खराब करो, चलो। लाइची के पापा। कह रहे जो बरात हूँ। लाइची के पापा। इलायची के पापा कैसे लग रही हूँ मैं? अरे डकार लेने से कोई वजन कम ना होता, यदि कल लग रही थी वैसी आज लग रही है, कोई फर्क ना पड़ा तुझे। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो भाग ही फूट गए। मजाक कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ तुझे, अब देख थकान हो ना,
तो मुंह से जो है पिसा हुआ करेला ही निकलता है बस। झूठ मत बोलो, अब तो नया नौकर मिल गया, काहे की थकान। कोई फायदा ना इस नौकर को रखने से, दिमाग खराब कर रखा उसने मेरा। क्या मतलब? अब तू खुद बता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में पैदा होने का ये मतलब थोड़ा ही है कि कलर की पहचान ना हो, रंग ही ना पहचान पाए। मैं उससे कहता हूँ भैया जरा नीले रंग का लहंगा उठा, तो वो काले रंग का लहंगा मेरे हाथ में रख देता है। हाय हाय, तो फिर लहंगे कैसे बेचेगा? मुझे तो लग रहा है कि इसके रखने से लहंगे बिके ना बिके मेरी दुकान जरूर बिक जाएगी। मुझे तो लग रहा है कल ही निकाल के ऐसा बाहर खड़ा कर दूं। चल भाग यहां से, भाग। अरे नाना, इलायची के पापा बड़ी मुश्किल से तो नौकर मिला है और ऊपर से भले लोग भी हैं। अब नए नए में सब घबराते हैं। अब तुम्हें याद ना है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे मेरा हाथ मांगने, तो मेरी जगह मेरी अम्मा का हाथ मांग लिया था। अरे ठीक है, मेरी अलग बात है, तू समझ ना रही है। अच्छा, अलग कैसे? तुम क्या ऊपर हवाई जहाज से टपके हो? देखो इलायची के पापा, मेरी बात मानो तो पहले उसे अच्छे से जांच परख लो, और फिर भी उसने गड़बड़ की तो निकाल देना। हाँ, ये तो सही कह रही है तू। मैं काम करता हूँ, कल ला दुकान में जो रैक है ऊपर से नीचे तक उसमें जितने भी लहंगे रखे हैं, मैं उससे पूछूंगा पता कौन सा लहंगा कौन से रंग का है। अगर उसने बता दिया तो काम का है, वरना काम खा है। यार दिमाग खराब हो गया, हट निकल। तेरे पायल की झनकार रे रे बाबा ना बाबा। क्या मुसीबत है यार, ये दिमाग खराब हो गया है यार, ये काजल निकल ही नहीं रहा है भाई। क्या देख रहे हैं, निकालना इसे। अरे रहने ना यार, कितना अच्छा लग रहा है भाई, देख कजारी आंखों में जी जी एकदम करारी लग रही है। रहने रहने। क्यों कर रहा है भाई यार, कब तक लेगा अपना बदला है यार, औरत बनने का बदला लेना बंद कर भाई, समझ गया मैं, साले फांसी पे चढ़ाएगा क्या अब। बेटा याद कर वो दिन जब तू अपनी लुगाई बना के इस घर में लाया था, ऐसी तैसी हो गई थी मेरी, मेरे अंदर के मर्द को नींद की गोलियां दे के सुला दिया गया था। अब पता चला तुझे, ये 2 किलो का मेकअप, ये 5 किलो का ये साड़ी ब्लाउज तामा झामा पहनना कितना मुश्किल होता है। अरे भाई तुझसे कितनी बारी तो माफी मांग चुका हूँ, क्या करूँ, मान गया भाई तू बिल्कुल सही है, एक बारी और माफी मांग लेता हूँ, कर दे भाई मदद। क्या करेगा, चूल्हे पे चढ़ाएगा? रो मत यार, नहीं तो मेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे। दिमाग खराब हो गया भाई, 3 घंटे से नहीं निकल रहा। अरे तू देख काजल, तू काजल अभी बेकार चीजें हैं, आंखें भी निकल पड़ेंगी, तो देख आराम से सब निकाल देंगे, पहुँच देंगे एकदम। जीजाजी छत पर है? जी लाइजी, जीजाजी छत पर है, आइए। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, जीजी की आंखों में अमावस छा गई ना, तो चांद निकाल रहा हूँ। ओ फालतू बातें मत कर, इलायची जी काजल साफ करा रहे हैं। पिंटू जी, आप दुकान में काम करने जाते हैं टाइम पास करने? नहीं जाते तो काम करने, लेकिन टाइम तो खुद ब खुद पास हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, व्हाट्स सो फनी। हाँ पिंटू जी, क्या हुआ इलायची जी, क्या कर दिया इसने? इनसे ही पूछ लीजिए ना खुद। अरे यार, हरे का नीला, नीले का पीला, लाल का पिंक, लहंगा बेच रहे हैं लोगों को यार, कैसे चलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना काम होता है। और पापा, पापा मम्मी को भी मैंने बात करते हुए सुना, पापा बोल रहे थे कि कल पिंटू जी ने अगर लहंगों के करेक्ट कलर्स नहीं बताए ना तो उन्हें काम से निकाल देंगे। अरे हद है यार, लहंगे की दुकान पे बैठ रहे हैं और कलर्स ही नहीं पता है कि क्या क्या होते हैं यार, हद ही है। नहीं पता है, है? क्यों? अरे क्योंकि हमारे आंखों की पिक्चर तो ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब? मतलब यह है कि हमें कलर का कुछ समझ में ना आता, सब एक ही से दिखते हैं। क्या बताया तो डॉक्टर ने, कलर ब्लाइंड है यार। What? कलर ब्लाइंड? और आप बता रहे हैं हमें, इतने वक्त से क्यों नहीं बताया कभी? अरे तो पहले कभी किसी ने पूछा कहा? एक सेकंड इलायची जी, ये बताइए कौन सा रंग है? पीला है। कौन सा? अब बताइए, अब क्या करना है? करना क्या है, जो हर बार करती हूँ, आपकी फटी को सिलूंगी और क्या है, सोचने दो। सुनो एक काम करते हैं, इधर आओ। ठीक है,
चलिए आप मेरे साथ जल्दी से जरा चलिए जल्दी। क्या यार तू भी, ये कौन सा रंग है? ताला है। आराम से। नींद में उनकी आंखें चमक उठेंगी। आप इतने में ढूंढिए ना प्लीज। मैं उल्लू नहीं हूँ जो तेरे में ढूंढू देखू। कैसी बातें कर रही है एलआईसी जी? अगर हमें गलती से यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया ना तो हम बता रहे इस बार बाहर नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अंदर भेज देंगे, वो भी जेल में। आप तो मुझे ऐसा ना, मुझे एहसास दिला रहे जैसे कि मैं ही हूँ जो चाहती हूँ कि आप ना जेल में जाना है, तरीके ढूंढ रही हूँ उसके। अरे यार एलआईसी जी लड़ने के लिए ऊपर बरसाती भी है यार, ये कोई समय है क्या लड़ने के लिए? आप चुपचाप जो काम करने आइए वो करिए ना, लिस्ट बनाइए यार। मैं लड़ा के लिखती हूँ आपको। अरे यार हम आपको ये नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं हमारी प्यारी एलआईसी जी जो करने आए हैं वो कर लेते हैं ना, बाद में कर लेंगे। क्या कर रही है? लाइट दिखाओ। अरे एलआईसी जी ये नहीं, आप शायद गलत लिख रही है। क्या कर रही है यार? कौन है बे? इतनी रात को खटर पटर की मामा मर गए।